चलो तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ रिवीजन करते हैं कल का। कल हम लोगों ने पहले कहानी पढ़ी थी किसकी, गुइसेप्पे मज़ीनी की। गुइसेप्पे मज़ीनी अपने आप में क्या था, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, ठीक है ना। ये जो इटालियन रेवोल्यूशनरी था, ये क्या चाहता था कि जो इटली है वो अपने आप में एक यूनाइटेड नेशन में यूनाइट हो जाए, एक सिंगल नेशन बन जाए, एक नेशन स्टेट बन जाए। इसने कोशिश बहुत करी। इसने क्या किया था, इसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली मार्सिलीज में और एक बनाई थी यंग यूरोप बर्लिन में, ठीक है ना। 1831 में इसने रिवॉल्यूशन भी प्लान करी थी, अपसर्स भी प्लान किया था लिगुरिया में, लेकिन वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, जिस वजह से इसको एग्जाइल पे भेज दिया था, इसका देश निकाला कर दिया गया था। पर ये बहुत एक्टिव बंदा था। इसे इसे क्या कहा जाता था, मोस्ट वॉसिफोरस एमरी एनिमी ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर क्या होता है ना, जो बंदे रहते हैं वो राजा के रूल के अंदर रहते हैं। तो ये क्या था, सबसे बड़ा दुश्मन था, किसका दुश्मन था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, पहली बात, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, मतलब वो जो करंट सोशल ऑर्डर था, वो उसको कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर था, ये उसका क्या था, बहुत बड़ा दुश्मन था, ठीक है ना। इतना हम लोगों ने क्या करा था, कल पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। याद करो, मैं तुम लोग को याद करवाया था कि इटली जो था वो अपने आप में कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था, सेवन स्टेट्स में डिवाइडेड, ठीक है ना। सबसे मेन था वहां पर इटालियन प्रेस्टी हाउस, जो किसका था, सर्डिनिया पीडमोंट का, ठीक है ना। सेंटर किसके अंदर था, पोप के अंदर था। नॉर्थ किसके अंदर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। और साउथ किसके अंदर था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है ना। इटालियन लैंग्वेज थी, वो एक यूनिफाइड लैंग्वेज नहीं थी, उसकी बहुत सारे डायलेक्ट्स होता करते थे, जो प्रैक्टिस होती थी, ठीक है ना। अब गुइसेप्पे मज़ीनी ने कोशिश बहुत करी क्या करी, इसको यूनाइट करने की, पर उसके दो फेल्ड अटेम्प्ट्स इन 1831 एंड 1848 की वजह से मिस्टर किसने सोचा, प्रूशियन सॉरी सर्डिनिया पीडमोंट इटालियन प्रिंसली हाउस जो था, वहाँ के किंग विक्टर इमानुएल ने सोचा कि इससे कुछ नहीं हो पा रहा है, मुझे ही क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। तो इसने किंग विक्टर इमानुएल को ने बोला कि अब मुझे ही क्या करना पड़ेगा, इटली एज अ नेशन को यूनाइट करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इटली एज अ नेशन को क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसने अपने चीफ मिनिस्टर, इसने चीफ मिनिस्टर जिसका नाम क्या था, काउंट डी केवर, जिसका नाम क्या था जीना, काउंट डी केवर, इसको बोला कि यार तू कुछ प्लानिंग कर, ठीक है। और काउंट डी केवर का, काउंट डी केवर का सेनापति कौन था, गुइसेप्पे गैरिबाल्डी, कौन था, गुइसेप्पे गैरिबाल्डी। तो काउंट डी केवर ने क्या करा, सबसे पहले एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करी, क्या करी, स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब हाथ मिलाया, किसके साथ हाथ मिलाया, फ्रांस के साथ। और उसने क्या करा, नॉर्थ में से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स को भगा दिया, ठीक है ना। अब ये किंग थे ना उस टाइम, हाँ एम्पायर था, डायनेस्टी थी, ठीक है ना। साउथ इटली में कौन था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे। तो साउथ इटली और सुसिलिस किंगडम ऑफ टू सिलिसीज, इन्होंने क्या करा, स्पेनिश रूलर्स को भी हटा दिया। सेंटर तो पोप के अंदर था, वो खुद ही मान गया क्योंकि मैं राजा के साथ तैयार हूँ। तो 1859 में इसने नॉर्थ अंडर कंट्रोल किया, 1860 में इसने साउथ अपने अंडर कंट्रोल किया, और फाइनली 1861 में क्या हुआ, किंग विक्टर इमानुएल क्या हो गया, यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर हो गया और रोम उसका कैपिटल। इतनी कहानी हम लोगों ने कल कर ली थी, क्या सभी को याद है। मैंने भी ट्राई करा था, क्या ट्राई किया था, कि वो इटली को यूनाइट कर ले, रिवॉल्यूशन करी थी, ठीक है। उसने 1831 में भी ट्राई किया था और 1848 में भी ट्राई किया था। अब तुम्हारे नोट्स में तुमको एक छोटा सा टॉपिक दिख रहा होगा, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, क्या सभी को दिख रहा है, ठीक है। अब समझो, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस मतलब 1830 से लेके 1848 तक कुछ माहौल ही ऐसा था पूरे यूरोप में कि सब जगह क्या हो रहे थे, लोग रिवोल्ट कर रहे थे। क्या था माहौल ही ऐसा था पूरे यूरोप में, क्या सब लोग रिवोल्ट कर रहे थे। क्यों रिवोल्ट कर रहे थे बेटा, क्योंकि वो दुखी थे। किससे दुखी थे, वो अपने मोनार्क से दुखी थे। तो ऐसा नहीं था कि ये कहानी सिर्फ इटली में चल रही थी, ये कहानी सब जगह चल रही थी, ये जर्मनी में भी चल रही थी। अभी ओटोमान एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ग्रीक रिवॉल्यूशन वहां पर भी चल रही थी, पोलैंड में भी चल रही थी,
आयरलैंड में भी चल रही थी और लपड़ खा लेगी ज्यादा ज्ञान मत छा ले। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है सब रिकॉर्ड हो जाता है यार तुमने बाल। दिस वाज द पीरियड, द पीरियड बिटवीन 1830 एंड 1848 इज कंसीडर्ड टू बी एज ऑफ रिवॉल्यूशन, कंसीडर्ड टू बी एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन में सब जगह रिवॉल्यूशन में देखो सबसे पहले रेवोल्यूशन हम लोग जो देख रहे हैं वो कहाँ पे थी? जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस, ठीक है। याद करो मैंने तुम लोग को बताया था, याद करो मैं तुम लोग को बताया था जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हारा था, कल हम लोगों ने कांग्रेस ऑफ वियना डिस्कस किया था। तो जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हारा था तो उन लोगों ने पपेट किंग को बिठा दिया था बर्बन डायनेस्टी के, जिसका नाम था लुइस फिलिप। उसका नाम क्या था? लुइस फिलिप, ठीक है ना। तो लोगों को लग रहा था क्या हम बेवकूफ है कि हम लोग इतनी मेहनत करें 1789 से, इसलिए कि आफ्टर 30-35 इयर्स फिर हमारे पास एक क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनार्क आ जाता है। अगर यही सारी कहानी करनी थी तो व्हाई डिड वी रिवोल्ट ओवर ऑल दीस इयर्स लास्ट 50 इयर्स। तो क्या था फ्रांस में भी क्या हुई थी जुलाई 1830 में रिवोल्ट हुई थी, किस चीज के लिए? कि आप ये जो लुइस फिलिप है इसको क्या करो आप एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनार्क हटाओ। आई बात समझ में? सिमिलरली याद करो हमने देखा था कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न था फ्रांस में, फ्रांस के नॉर्थ में क्या बना दिया गया था? किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, याद है क्या हम लोगों ने पढ़ा था? नॉर्थ में क्या बना दिया था फ्रांस के? किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम। तो बेल्जियम ने बोला भगया था, मैं काहे का नीदरलैंड का पार्ट, मैं अपने आप में क्या हुई इंडिपेंडेंट नेशन, सो आई वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ क्या नीदरलैंड। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब फ्रांस में जुलाई 1830 में रेवोल्यूशन हुई अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिप, तब यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में भी क्या हुई? रेवोल्यूशन हुई। और फिर वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड बचा क्योंकि बेल्जियम ने क्या कर लिया, उससे ब्रेक ऑफ कर लिया, बोला अब आई वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर कंट्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या बेटा और क्या कुछ भी नहीं, 1830 फ्रांस से भी रेवोल्यूशन हुआ, 1830 में ग्रीक रिवॉल्यूशन भी हुआ जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं बेटा? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। नाउ व्हाट वाज दिस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट इज दिस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बेटा ध्यान से समझो, जो ग्रीस था वो 15th सेंचुरी से किसके अंदर था? ओटोमन एम्पायर के अंदर था, ठीक है। और ये चाह रहे थे क्या कि हम लोग इनसे अपना पीछा छुड़ा लें, ठीक है। तो 1821 में लोग को रियलाइज हुआ क्या कि नहीं यार अब बहुत राज सह लिया किसका? ओटोमन एम्पायर का। अब हम लोग ओटोमन एम्पायर को हटा के हम लोग एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रहे, ठीक है ना। ग्रीस को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का बहुत सपोर्ट था, क्यों? बिकॉज जो ओटोमन एम्पायर था वो प्रीडोमिनेंटली एक मुस्लिम एम्पायर था, तो जो क्रिश्चियंस थे या जो यूरोपियंस थे वो ग्रीस के क्या थे? बहुत ज्यादा फेवर में थे, ठीक है ना। बहुत सारे पोएट्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जो एशियन ग्रीक कल्चर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते, उनको लगता था यार एशियन ग्रीक कल्चर बहुत अच्छा था, और ओटोमन एम्पायर की शैडो में वो कल्चर क्या हो गया है? दब गया है, ठीक है। तो वो कल्चर को हमें क्या करना चाहिए? रिवाइव करना चाहिए। तो लोगों ने रिवोल्ट किया, है ना, थोड़े बहुत माइनर रिवॉल्ट हुए। ओटोमन एम्पायर वाले बहुत बुरा नहीं माने, उन्होंने क्या करा 1832 में, 1821 से छोटे मोटे रिवॉल्ट स्टार्ट हुए, 1830 में बड़ी रेवोल्यूशन हुई विद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के सपोर्ट के साथ, और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, और अंडर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्या ये बात समझ में आई? अब बेटा ध्यान से सुनो, बेटा देश से फीलिंग में कोई बच्चा नहीं आएगा, किससे प्यार बेटा? देश से। किससे प्यार? देश से, ठीक है ना। रोमांटिसिज्म एक कल्चर था, एक कल्चरल मूवमेंट कहना चाहिए, जिसमें लोगों ने बोला प्यार करो लेकिन देश से, नेशनल याद करो, रोमांटिसिज्म, ठीक है। जैसे कि आज गुंजन को किसी से प्यार हो जाता है तो उसको समझाएंगे क्या बेटा लड़का गधा है, मुझे कोई लॉजिक नहीं चाहिए,
अब बात सुनो, रोमांटिसिज्म में आपके देश में लाखों बुराई हो, 100 में से 99 बेमान हो, लेकिन मेरा देश महान होगा। ये सुनो, आ रही बात समझ में? सो रोमांटिसिज्म बेसिकली एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें आपको प्यार करना था अपने देश से, देश बहुत बुरा भी हो तो उसमें अच्छाइयां ढूंढनी थी, उसमें अच्छाइयां ढूंढनी थी, हमारे पास्ट को डिस्कवर करना था, हमारी कल्चरल हेरिटेज ढूंढ लेना थी। अरे ये हमने बनाया, बढ़िया बनाया, ये हमने किया, हम नमस्ते करते हैं, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, सब 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 चीजों में हमको क्या देखना था? लव फॉर द नेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नहीं इट इज समथिंग वेरी नेचुरल बेटा, ठीक है, जैसे ना इट रिजेक्टेड साइंस, इट रिजेक्टेड लॉजिक, रीजनिंग वीजनिंग सब हटाओ, दो लोग जरूरी है, एक आपका दिल और दूसरा आपका देश। आप खोदो, अपनी हिस्ट्री को खोदो, आप पता करो कि आपके देश में क्या क्या अच्छा हुआ, आपके देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आपका कल्चर इतना रिच है, ठीक है ना। जब तुम लोग जाते हो कि तभी यू नो, मेरे को नहीं पता तुमने एक मूवी देखी है कि नहीं, नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार, उसमें ना उसने एक इंडिया पे स्पीच दी है कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी हमारी है और डेसिमल सिस्टम हमारे यहाँ हुआ था, जीरो का ये हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ था। देखो ऐसे तो भी कभी क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करता, मूवी के नाम पे जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, किसी ने बोल दिया था दैट इंडिया इज नथिंग बट अ नेशन ऑफ स्नेक चार्मर्स, सांप का खेल दिखाने के लिए, इंडिया में कुछ देखना है तो आप सब सांप का खेल ही देख सकते हो। तो उसका दिल 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 टूट गया, उसने नहीं, उसका दिल टूट गया, उसने बोला नो, when you go inside my nation you will find कि यार इतने तरह के rivers हैं, इतने सारे mountains हैं, हमारा देश लाख साल में इतने सारे engineers produce करता है, इतने सारे doctors produce करता है, ठीक है ना, इतने सारे doctors produce करता है, हमारी second largest army, हम इतने powerful होने के बाद भी कभी भी हम आगे किसे किसी nation पे attack नहीं करते, और हम हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप कैसे भी हैं but I respect you। तो इसे लंबी सी स्पीच दी थी। So this speech was an example of romanticism। अब ऐसे में क्या होता है, जब आप romanticism को promote करते हो तो आप अपने कल्चर को ढूंढते हो, पुरानी folk stories लेकर आते हो, पुराने गाने लेकर आते हो, पुराने गानों को merge करके नए गाने बनाते हो। क्यों? क्योंकि गानों के बिना फीलिंग थोड़ी आती, ठीक है। नेशनल एंथम्स ही बनी थी बेटा, नेशनल सॉन्ग्स ही बने थे, ठीक है ना। फोक कल्चर को एलैबोरेट किया गया था, फोक कल्चर को एलैबोरेट करना मतलब लोकल लोग किस तरीके से रहते हैं, जैसे कि जोहान गॉटफ्राइड हर्डर नाम का एक रोमांटिसिस्ट था, फिलोसोफर था, जिसने बोला रोमांटिसिस्ट मतलब ये जर्मन नेशन के प्यार के बारे में लिखता था, इसको अपने देश से क्या था बड़ा प्यार। तो उसने बोला अगर आपको सच में रोमांटिसिज्म देखना है, अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखना है, तो आपको ये सिटीज में नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा दास वोल्क में। दास वोल्क मतलब क्या, यहाँ के जो कॉमन पीपल है, यहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। इसने बोला क्या कि आप लोगों को पढ़ाओ, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश मत पढ़ाओ, आप लोगों को जर्मन मत पढ़ाओ, आप उनको क्या करो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिखाओ, ताकि वो क्या करें अपने कल्चर को बहुत अच्छे से समझ सके। क्या ये समझ में आया सबको, व्हाट वाज रोमांटिसिज्म? टॉक ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग का मतलब होता है हम सब एक हैं, यूनिटी। सो नेशनलिस्ट फीलिंग बेसिकली डील्स विद वी आर वन इन द फॉर्म ऑफ अ नेशन, ठीक है, आई बात समझ में? तो सारा हिंदुस्तान, सारा यूरोप, सारा जर्मनी, वहां के जो भी लोकल लोग हैं, उनके अंदर का ये जो बिलीफ है दैट वी ऑल बिलोंग टू अ कॉमन नेशनल एंटिटी, दैट इज व्हाट नेशनलिस्टिक फीलिंग। आया समझ में? चलो अब हम लोग आते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक बट कैन बी एज एन एग्जाम, इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1830, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि बेटा 18, लेकिन जब यूरोप में रिवोल्यूशन हो रही थी तो उन रिवोल्यूशन के पीछे एक रीजन होगा कि आपके वहाँ के लोग सच में परेशान, और वैना ऐसे कि वहाँ के लोग सच में परेशान थे, इसका मतलब था क्या, कहीं ना कहीं उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था, इतनी बुरी स्थिति हो गई। हाँ, तो जो इकोनॉमिक कंडीशन थी यूरोप की आफ्टर 1830, वो बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक हार्डशिप से फुल कंडीशन।
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भयंकर लेवल पे बढ़ रही थी, उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा था, यानी कि बंदे तो बढ़ते जा रहे थे लेकिन जो अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली थे वो नहीं बढ़ रहे थे। आई बात समझ में, जो गांव के लोग थे वो काम के शहर जाते थे काम ढूंढने के लिए, पर वहां उनको काम नहीं मिलते थे तो वहां पर वो झुग्गी बस्तियों में रहने लग जाते थे। जो शहरों में छोटे मोटे क्या थे, प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे में शहरों में छोटे मोटे क्या थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने भी क्या कर लिया था, उनको भी लग रहा था हमारा कुछ इनकम नहीं हो पा रहा है, क्यों, बिकॉज जो फॉरेन गुड्स वहां पर इम्पोर्ट हो रहे थे वो क्या थे, कंपेरेटिवली सस्ते थे, तो लोग लोकल गुड्स खरीदना बंद कर चुके थे और क्या खरीदने स्टार्ट हो गए थे, फॉरेन गुड्स खरीदना स्टार्ट हो गए थे। और ये बात समझ में, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ यूरोप वाज वेरी डिटियोरेटेड। लोगों को उम्मीद थी किससे, अपने राजाओं से, कि ये हमारा कुछ भला कर पाएंगे, पर वो लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, भला नहीं कर पा रहे थे, उल्टा टैक्सेस वैक्सेस बढ़ा रहे थे, फ्यूडल ड्यूज दे रहे थे कि भाई कहीं से कमाई नहीं हो रही तो कम से कम पीजन्स का एक खून चूस के उनसे टैक्सेस लेके उनके पैसों से हम लोग क्या करते, खाना खा लेते हैं, फ्रांस में जैसे हो रहा था, ठीक है। तो फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, हार्वेस्ट बहुत खराब होते जा रहे थे, तो अंडर ऑल दीज कंडीशंस पीपल बिकेम व्हाट, वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। और जैसे कि फ्रांस में हमारा कौन रूलर था, लुइस फिलिप, लोग उससे बहुत क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, गुस्साए हुए थे, निकल के आ गए घर में, घर से बाहर बोला अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। आई बात समझ में, तो सब जगह बैरिकेड्स लग गए, लुइस फिलिप को बोला लोग गुस्साए हैं सीधे मार देंगे, तुम क्या करो जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से भागो। जो पुरानी नेशनल असेंबली थी उसने खुद ने क्या बोल दिया कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर रहे हैं खुद को, ऑल मेन अबाउट 21 इयर्स हैव राइट टू वोट। और ये जो नई असेंबली बनी, ऑल मेन अबाउट 25 इयर्स आफ्टर अबाउट 21 इयर्स वर गिवन राइट टू वोट एंड दे वर सेट कि अब सबको राइट टू वर्क क्या मिलेगा। और ये जो नेशनल असेंबली बनी इन्होंने सच में ओवरऑल नेशन के लिए क्या करी, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी, जिससे क्या होगा, जिससे सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। वर्कशॉप मतलब पहले उनको सिखाया जाता था क्या कि भैया अभी ये सारी चीजें, बिल्कुल लाए थे वर्कशॉप, मतलब अभी हाथों हाथ डेढ़ साल में आपको इतना काम सिखा देंगे कि आप एम्प्लॉयबल बन जाओ, कि आपको कोई काम नहीं देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन?